अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तलहा एडिटिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो किसके मुतल्लिक है, तो आज मैं आपको थंबनेल में जो आपने पिक देखी है, आज मैं आपको वैसे ही पिक एडिट करके बताऊंगा, वो भी 3 से 4 मिनट के अंदर। आप 3 से 4 मिनट के अंदर प्रोफेशनल पिक एडिट कर सकते हैं इसके लिए। तो सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करके, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये हमने एक पिक ली है, अब इसे हम पिक को पिक्स आर्ट के अंदर ओपन करेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि इस पिक को हम पिक्स आर्ट के अंदर ओपन कर रहे हैं, आपने भी इस तरह ही पिक को पिक्स आर्ट के अंदर ओपन करना है अपनी वही। इसके बाद सबसे पहले आपने जाना है इधर ड्रॉ में। ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा एंगल, यहाँ पे काफ़ी तरह के एंगल आ रहे हैं, ये देख तो एरो आ रहा है, जैसे ये शेप है, इस पर आपको ये 4 नंबर वाला सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप इसके जो साइज़ है वो 15 या 16 पे जितना आपको अच्छा लगे कर लें, पर हम इसको 16 पे रख लेते हैं। इसके बाद आपने इसको यहाँ पे रख, इसके बाद इसका कलर भी वाइट कर लें। कलर वाइट करने के बाद आप इसको यहाँ पे रख के ऐसे सेलेक्ट करें, साइज़ को छोटा कम ज़्यादा वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसके बाद आप एक और बनाएं, ठीक हो गया। ये दो बॉक्स बनाने के बाद आप इसको टिक कर दें दोबारा। इसके बाद आपने आना है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद एडजस्ट की ऑप्शन आ रही है, एडजस्ट में आपने जाके सेचुरेशन पे क्लिक करना है, उसको -100 पे कर देना है। -100 पे करने के बाद ऊपर आ रही है रेस की ऑप्शन, रेस पे क्लिक करके इसकी हार्डनेस को फुल कर दें और साइज़ अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लें, जितना आपको यानी सूटेबल लगे कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बॉक्स के अंदर वाला जो एरिया, इसको आप रिमूव करना शुरू कर दें या इरेज करना शुरू कर दें। सो चलो मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप अपनी पिक पे भी कर सकते हैं, कोई भी पिक पे। तो आपने ये बस बॉक्स के अंदर वाला जो एरिया है इसे ही इरेज करना है, इसके अलावा आपने कोई एरिया इरेज नहीं करना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा कलर बाहर आ गया, तो आपने इसमें ब्रश पे जाके जहाँ जहाँ पे आपका कलर बाहर हुआ है वहाँ पे आप दोबारा इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश कर दें, यहाँ पे भी है थोड़ा सा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, अब हम इसको फिर टिक कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले पिक हमारी ऐसे थी, अब हमारी पिक ऐसे बन गई है। अगर गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।